हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे थे भरतपुर से आगरा, जो है आगरा से भरतपुर 50 किलोमीटर आगे, तो आगरा जा रहे थे हम लोग। तो वहाँ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद ऑटो करते हैं। ऑटो करने के बाद ऑटो वाला हमको लाता है मेन जगह पे जहाँ पे बस हमको मिलेगी। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं था हमको कि बस स्टाफ है कि नहीं है, क्या पता। तो यहाँ पे आगे जाने लगते हैं। हम तीन जन थे, तो तीनों जन आगे जाने लगते हैं पूछने के लिए, ताकि पता चले कि हाँ है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो 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 वाले खड़े हैं। तो यहाँ से मेन बस स्टैंड ले जा रहे थे सबको। तो हम लोग पहले सोचे यहीं पे बस मिल जाएगी तो यहीं पे बैठ लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हम लोग तीन जन हैं, जहीर भाई और शाहिद भाई। यहाँ पे बस स्टॉप लगता है, यहाँ पे बस आके रुकती है। लग तो रहा है ऐसे ही, पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा ही है, कुछ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मुझे भी कंफर्म मालूम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे तो लग रही थी जोरों की भूख, क्योंकि सुबह के टाइम तो नाश्ता भी नहीं किया था। तो नाश्ता नहीं किया, मैं जाके इन लोगों से बोलता हूँ चलो कुछ खाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है कुछ, चलो खाते हैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद ये पता नहीं क्या चीज़ है, इस चीज़ में पूछता हूँ उनसे ये क्या चीज़ है। तो बोले नाम तो मुसलमान का ही है, पर मालूम नहीं किसका है, उनको भी नहीं मालूम था। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, भूख लगी थी तो अंडा खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 6 अंडे लगाते हैं, तीन जन थे तो 6 अंडे लगाते हैं। तो मिर्च और कांदा डाल के अच्छे से दिया था, तो हम लोग खा रहे थे। खा के फिर का निकल पड़ते हैं फिर से चेक करने के लिए कि बस आएगी भी कि नहीं आएगी। हम लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो काफ़ी चलने के बाद पता चलता है कि बस यहीं पे आती है, तो शायद एक आध बस जा चुकी है। हम लोग खा रहे थे तो यहाँ से एक बस जा चुकी थी, तो एक बस फिर से आ चुकी थी, लेकिन इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा गर्दी थी, इसलिए हम नहीं जाए गए, क्योंकि हमें आगे वाली सीट पे जाना था तो इसलिए नहीं गए। तो यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो वाला 30 रुपये लेता है, 30 30। यहाँ से सीधा लेके जाता है बस स्टैंड, जहाँ पे मेन बस है, सारी बसें वहाँ से निकलती है। हम लोग जाते हैं वहाँ से, मैं सोचा कि वहाँ पे अच्छा खासा बैठने को मिल जाएगा, आगे वाली सीट भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पीछे वाली सीट पे क्या रहता है, इतना ज़्यादा धक्का मुक्का खाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेकर आता है तो बहुत परेशानी होती है, उछल कूद होता है। तो यहाँ से बैग लेते हैं तो आ जाते हैं बस स्टैंड। तो शाहिद भाई अपना वो पैसा देता है उनको। पैसा देने के बाद यहाँ पे कुछ सामान लेते हैं, गुटखा या सिगरेट, खाने वाली चीज़। मैं तो सब खाता नहीं, तो नमकीन ले लेता हूँ। नमकीन लेने के बाद अंदर जाने लगता हूँ बस स्टॉप के अंदर। यहाँ जहीर भाई भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो शाहिद भाई बड़ा सा बैग लिए हैं, तो उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो आगे आगे चल रहे हैं आराम आराम से। तो मैं भी आराम ही आराम से चल रहा था। तो यहाँ पे लग तो नहीं रहा था कि बस स्टैंड, इसलिए तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो आ जाते हैं अंदर। अंदर आने के बाद पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बस स्टैंड है, क्योंकि हम लोग पीछे से आए थे तो इसलिए साफ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग अंदर आ जाते हैं, बाय द वे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बस भी खोजना पड़ेगा, तो इसलिए खोजना स्टार्ट कर देते हैं कौन सी बस जाएगी कौन सी नहीं, सब देखना पड़ता है। तो यहाँ जाइए बस देखते हैं कि ये वाली जाएगी कि नहीं जाएगी, कंफर्म नहीं है, लग तो रहा है जाएगी। आगरा जयपुर, हाँ आगरा जयपुर कहाँ लिखा ये बस आगरा जाएगी, कंफर्म हो जाता है ये बस आगरा जाएगी, लेकिन जाएगी देखने जाते हैं तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्दी है इसमें, इसलिए इसको छोड़ने की सोचते हैं। तो जही भाई देख के आता है, तो देखने गया था तो देख के आने लगता है, तो देख के आता है कि बहुत ज़्यादा गर्दी है फिलहाल, लेकिन बस वहाँ पे जाएगी ज़रूर।
वहाँ पे जाएगी तो जरूर, फिर उनको तसल्ली नहीं, साहिद भाई को तसल्ली नहीं होती तो फिर वो भी अंदर जाके देखने लगते हैं सीट वगैरह खाली है कि नहीं खाली है, देखना ज़रूरी है भाई, वरना फिर चक्कर उक्कर आने लगी पीछे वाली सीट पे भाई, चक्कर मुझे आने लगते हैं क्यों झूठ में बोलूँ तो। काफ़ी समय हो जाता है, वो वाले बस छोड़ देते हैं लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, यहाँ पे रात होने लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं साँझ हो जाती है पूरा, बस नहीं आती है, काफ़ी इंतज़ार करते हैं फिर भी बस नहीं आता है। यहाँ पे एक बस है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी है, तो हम लोग को जाना है आगे वाली सीट पे बैठ के, क्योंकि उसमें उतना हचका भी नहीं लगेगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो काफ़ी टाइम इंतज़ार करते हैं, बस सामने ही खड़ी रहती है पर उसमें बैठते नहीं क्योंकि पीछे वाली सीट नहीं चाहिए और गर्दी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो भाई देख बस आ जाती है हमारी, तो हम लोग आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। जहीर भाई बोलते नहीं, मैं बोला ठीक है भाई जैसी तेरी मर्जी, तो जो बैठना है तो बैठ, तो बैठ जाता है तो मैं निकल देता हूँ, बस चल देती है आगरा के लिए। यहाँ पे बस चालू हो गई थी तो काफ़ी टाइम हो गए थे, मतलब 10 बज गए थे, रात हो गई थी ना तो 10 बज गए थे रात को, काफ़ी टाइम हो जाती है। तो यहाँ पे 12 रवि अव्वल भी था तो थोड़ा सजावट भी था, सजावट भी हुई थी काफ़ी अच्छी। तो क्या है आगरा साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है सिंगल रोड रहते तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे बाय द वे डबल है तो चलता है लेकिन जब सिंगल रोड आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय द वे आगरा वाले एरिए में हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग आ जाते हैं सीधा आगरा बस स्टॉप पे, थोड़ा पहले उतारते हैं फिलहाल बस स्टॉप अंदर। यहाँ पे आते हैं तो बहुत ऑटो वाले रहते हैं, घेर लेते हैं हम लोगों को, तो वहाँ से कैसे भी करके निकलते हैं क्योंकि ऑटो वाले भी नए ग्राहक को देख के चूना लगा देते हैं लंबा, जहाँ 100 रुपये का वहाँ 200 का। तो शायद भाई अपना बैग भूल गए थे छोटा वाला, दौड़ के जाते हैं उसको रोकते हैं बस को, वहाँ से लेते हैं अपना बैग, बैग लेने के बाद आने लगते हैं। तो वो मेरे भरोसे थे फिलहाल, लेकिन मैं बोला कि मैं ही लिया अपना बैग, तो मैं सोचा कि आप लेके आएंगे तो इसलिए मैं नहीं लिया। तो वहाँ से कुछ दूर मैं पैदल चलते हैं ताकि ऑटो ऑटो मिले, तो यहाँ से करके सीधा चले जाएं। तो ऑटो वाले बहुत मिलते हैं पर भाड़ा बहुत ज़्यादा मांगने लगते हैं, 300 भाड़ा मांगते हैं, 600 किलोमीटर जाना था। तो वहाँ एक भाई साहब मिल जाते हैं जो 150 लेते हैं, तो फिर लेके जाने लगते हैं। तो हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में और लेके चल देते हैं, काफ़ी रात हो जाती है तो ऑटो आ जाता है स्टॉप पे, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग और बैग उतारते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो लग रहा था कि देहाती एरिया है, यहाँ से बैग वैग अपना उतार लेते हैं, उतारने के बाद रोड पे चल देते हैं अपने। ये रोड जाएगा उसी तरफ, अंदर की तरफ तो काफ़ी अंधेरा था, पूरा जंगल था, लाइट आ रही थी लेकिन गाड़ी आ जा रही थी एक दो, बाकी जंगल था। हमारा गांव जो है, ये हमारा रूम जो है, रूम एकदम जंगल के अंदर है ये समझ लो। ये देखो यहाँ ज़्यादा घर नहीं दिख रहे, बस 4-5 ही घर दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टार्च बार बार के जा रहे हैं, फिलहाल अंदर तो आ जाते हैं तो रूम मालिक आता है, ताला खोलने की कोशिश करता है पर चाबी लगती नहीं है, तो पारी पारा सब निकालता है तो एक लग जाती है, ये वाली लग जाती है, तो रूम खोलता है। रूम खोलने के बाद हमको हम लोगों को दिखाता भी है कैसा नहीं, तो हम लोग अंदर जाते हैं फिलहाल, लाइट और चालू करते हैं, काफ़ी टाइट है इसलिए खुल नहीं रहा है। अंकल जी पूरा ताकत लगा रहे हैं ज़ोर से, और शायद भाई पहले अंदर जाते हैं, हम भी बिस्मिल्लाह करके अंदर घुसते हैं। तो ये रहा हमारा रूम, ये हमारा रूम है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भी है, शानदार भी है। तो ये किचन है, वो बाथरूम है, नहानी भी है उसी में, यहाँ पे किचन है भाई।
यहाँ खाना वाना पकाएंगे और उधर ही बर्तन धुलने का बस सिस्टम है, बर्तन वर्तन रखने का सिस्टम है, और ये रहता है बाथरूम, और नहाने का भी इसी में है, बाथरूम भी इसी में है।